हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ बताने वाला हूँ कि एक हिस्टोरी है, एक छोटे बच्चे का कहानी है, बहुत दूर से बिहार से आया है। उसका जो कहानी है वो दिखाएंगे, कितना मजबूर और कितना तकलीफ से गुजर के यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, तो उसका हिस्टोरी दिखाएंगे आपको। बस आप लोगों को कहानी दिखाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा एक बात बताओ, घर से जो तुम आए हो, इससे पहले यहाँ आने से पहले घर पे कोई काम वाम करते थे? काम तो करता था, लेकिन 100 रुपया मिलता था दिन भर का, इससे घर का खर्चा नहीं करता था। अच्छा, सही बात, इसलिए मजबूरी में आना पड़ा बाहर। अच्छा, तो घर पे तुम काम कर रहे थे इसका मतलब? हाँ। तो घर पे काम कर रहे थे, वहाँ पे उतना पैसा से तुमको घर नहीं चल रहा था ना? नहीं चला। अच्छा, इसलिए तुमको बाहर आना पड़ा है। ठीक है छोटू। छोटू तुम्हारा उम्र कितना होगा छोटू? 14 होगा। 14 उम्र, 14 साल का उम्र में अभी बहन का शादी करना है। बहन का शादी करना है? अच्छा, तो तुम मतलब तुमको घर वाला भेजा है कि तुम अपना खुद आया? मैं अपने खुद आया। तुम खुद आया कर्जा की वजह से? क्यों कर्जा तुम मतलब तो किस वजह से लिया, कि तुम लिया कि पापा लिया था? पापा लिया, घर नहीं था ना, छोटा घर था, बनाना हुआ था। अच्छा, ओहो, तो घर बन गया अभी? अच्छा, घर कितना कमरा का घर बनाया? 2 कमरे। अच्छा, कौन कौन रहता है घर में, कितना मेंबर्स है? मैं, मेरा छोटा भाई है, मेरी बड़ी बहन है, मेरा माँ है, मेरा पापा है। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा कमाते हैं। कमाते हैं? हाँ। क्या करते हैं, क्या कौन सा काम करते हैं? वही गुजरात में रहते हैं। अच्छा, गुजरात में रहते हैं। अच्छा, बाकी फैमिली तुम्हारा मम्मी और बहन भाई जो है वो घर पे रहते हैं। घर कौन सा गाँव? बिहार, सीतामढ़ी जिला। अच्छा, बिहार से तुम इतना, तमिलनाडु में इतना दूर तुम आके काम कर रहे हो? हाँ। तुमको घर का याद आता है? हाँ तो आता है, क्या करेगा, मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है, सही बात है। पढ़ाई किया है? नहीं किया। पढ़ाई नहीं किया? नहीं। अच्छा, अगर तुमको कोई पढ़ाने के लिए अगर बोलेगा, पढ़ाएगा अगर बोलेगा, तो तुम पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। अच्छा, क्यों नहीं पढ़ेगा? क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए ना। पैसा चाहिए? हाँ। सही बात है। कर्जा है उसका वजह से? हाँ। तुमको अभी कमाना है, बहन का भी शादी भी देना है। हाँ। अच्छा, जहाँ पे कभी काम करने के लिए आया हो वो यहाँ पे कितना करके देगा बोला? 7.5-8 देगा। अब सब कुछ है उसका, लड़का अभी इस 14 साल का उम्र में सब घूम रहा है, पढ़ रहा है, और सब अपना अपना मतलब खेल कूद में अपना व्यस्त है, लेकिन ये बच्चे को देखो, फैमिली का कर्जा का वजह से इसको बाहर आना पड़ा, और तकलीफ को अपना घर का बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इस उम्र में उनको अपना पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ को, सब चीज़ को कुर्बान करके इसको खटने को ले आना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस उम्र में उसको इतना सोच आ गया कि हमको फैमिली को कैसे भी खुश रखना है, अपना बाप को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपना भाई को, सबको खुश रखना है, उन लोग का खुशियों के लिए अपना खुद का खुशी कुर्बान करना करके बेचारा यहाँ पर काम करने को आ गया। तुम्हारा सैलरी कितना देता है तुमको, महीना कितना देगा बोला पगार? वो मेरे गांव का एक लड़का है, बोला चल खाना 3 टाइम देगा। अच्छा, सैलरी का बात है, 5-6 हज़ार तो शायद देगा। 5-6 हज़ार रुपये देगा बोला? अच्छा, पढ़ने को तो दिल करता होगा था यार। हाँ। लेकिन पढ़ नहीं पाता है, हैसियत रहना चाहिए, उतना पैसा नहीं है। अच्छा, पैसा नहीं है इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हो। अच्छा, और छोटू मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, ये होता है तुम्हारा घर पे बात किया? हाँ। है आने की बात, घर पे बात हुआ है? हाँ। अच्छा, बात करते हो, बात घर में कोई कुछ वो पूछते हैं क्या कि कैसा है, नहीं खबर कोई लेता है तुम्हारा? हाँ। अच्छा, और इधर जो तुमको तुम्हारा, तुम किसका जिम्मेदारी पे आए, तुम्हारा गांव का लड़का का जिम्मेदारी पे? हाँ। अच्छा, ठीक है। ऐसे 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 बच्चे का जो सोच है, इसका सोच को सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो इस उम्र में तो हम लोग खेल कूद में बदमाशी ऐसे वैसी मतलब दोस्तों का साथ में घूमना फिरना ये जानते थे, लेकिन ये बच्चे को देखो, सोच देखो, 14 साल का उम्र है लेकिन क्या सोच रखता है हम लोग। लेकिन ऐसा ठीक है, ऊपर वाला करे, इसका हर सपना पूरा हो, कामयाब हो। हम लोग का अभी फ़िलहाल इधर ही है हम लोग, तो हम लोग से जितना होगा ये बच्चे का हम लोग मदद करेंगे फिलहाल। और दूसरी बात यह है कि अगर दोस्तों अगर आपको भी अगर ऐसी कोई मजबूर अगर सहारा अगर कोई लड़का अगर कोई बच्चा कोई आदमी कोई इंसान भी मिले, तो उनका हो सके जितना मदद करो।
और बाकी कहानी फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपको। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।